शकतात. मुलांनो, बोर्ड परीक्षा पूर्वी मराठी विषयात अंतर्गत मूल्यमापन 10 गुणांचं असतं. 10 गुण 5-5 असं त्याचं विभाजन झालेलं असतं. बच्चों ध्यान देना, मैंने अभी क्या बोला, ठीक है. बोर्ड परीक्षा के पहले अंतर्गत मूल्यमापन मराठी विषय में 10 मार्क का रहता है, 5 और 5. तो देखते हैं, पहला जो स्वाध्याय है, मतलब असाइनमेंट, मराठी मध्ये स्वाध्याय म्हणतात, ठीक है. तर असाइनमेंट स्वाध्याय क्रमांक 1 जो आहे तो आहे, पहा मुलांनो, गद्य विभागावरती. त्यामध्ये आकलन कृती असणार आणि दुसरं असणार आहे स्वमत, असे टोटल 5 गुण. त्यानंतर येणार आहे स्वाध्याय क्रमांक 2. हा पहा, स्वाध्याय क्रमांक 2 म्हणजे असाइनमेंट नंबर 2, ये आपको आएगी उपयोजित लेखन में. मतलब उपयोजित लेखन में से कोई एक घटक आपको दिया जाएगा. यहाँ पर है जाहिरात लेखन, मतलब जाहिरात आपको बनानी है. मार्क्स है 5 गुण. तो ये स्वाध्याय, मतलब ये असाइनमेंट मराठी का आप कैसे लिखोगे. आपके पास फुलस्केप है घर पर, वो अभी आप, ठीक है. तो आपके फुलस्केप पर यहाँ ऊपर आपका नाम, रोल नंबर, क्लास आप लिखोगे, ठीक है. आपको केवल उत्तर लिखने हैं. मैं आपको प्रश्न बता रही हूँ कि स्वाध्याय क्रमांक 1 का प्रश्न स्वरूप कैसे है. देखिए इसमें, देखिए यहाँ पर पैराग्राफ है और पैराग्राफ के नीचे प्रश्न उत्तर है, प्रश्न है और उसके नीचे स्वमत है, देखिए, है ना. तो आपको क्या करना है, केवल उसके उत्तर लिखने हैं. ये देखिए ऐसे, ये आपका फुलस्केप है, तो यहाँ पर स्वाध्याय क्रमांक 1 आएगा जैसे मैंने अभी दिखाया है, और केवल उत्तर लिखोगे. अभी आएंगे हम स्वाध्याय क्रमांक 2 में. ये देखिए ऐसे स्वरूप है स्वाध्याय क्रमांक 2, ठीक है. स्वाध्याय क्रमांक 2 में जो आपको प्रश्न पूछा है, जाहिरात लेखन का विषय, आप पढ़ लीजिए. आपको क्या करना है, आपने यहाँ पर प्रश्न, मतलब स्वाध्याय क्रमांक 1 लिखा, बराबर उसी पेज के पीछे आपको स्वाध्याय क्रमांक 2 लिखना है. मतलब बच्चों एक ही पेज आपका यूज होगा, असाइनमेंट नंबर 1 और असाइनमेंट नंबर 2, ठीक है. और किस तरीके से लिखना है मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है. गलती नहीं करोगे, आप अपना समय लीजिए. और एक महत्वपूर्ण बात बच्चों, आपके सामने यहाँ पर मैंने जाहिरात लेखन का एक वीडियो दिया है, वो जरूर देखना. ऊपर देखिए आई बटन भी आ रहा है, उसे भी क्लिक करेंगे तब भी आपको जाहिरात लेखन का वीडियो मिलेगा. वहाँ पर मैंने जाहिरात लेखन कैसे करना है और जाहिरात लेखन के अलग अलग उदाहरण वीडियो के अंत में दिए हैं, जो आपके लिए फायदेमंद रहेंगे. तो जरूर ये वीडियो देखना और अंतर्गत मूल्यमापन का असाइनमेंट आप पूरे करना, ठीक है. धन्यवाद.